यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हमीरपुर की बात करेंगे। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। सुक्खू के दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू भी अपनी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह झूठ बोलने में माहिर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की तिलमिलाहट का कारण सत्ता में न होना है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में कितनी बार सीएम ने नादौन का दौरा किया था, लेकिन तब तो स्पाइस पार्क के काम की याद नहीं आई। लेकिन आज जब प्रदेश में सत्ता से कांग्रेस बाहर है तो झूठ और गुमराह करने की राजनीति की जा रही है। सांसद ने सुक्खू को सलाह दी कि वो झूठ बोलने की राजनीति से बाज आए। देखिए माननीय सुक्खू जी, मैं तो सोचता था कि इनके पार्टी के बाकी नेता ही झूठ बोलते हैं, अध्यक्ष जी उनसे भी आगे बढ़कर बोलते हैं। और इतना झूठ और गुमराह करने की राजनीति जो कांग्रेस ने देश भर में की है, वही कारण है कि 22 राज्यों से इनकी सरकार जा चुकी है। और आज तिलमिला जो कांग्रेस रही, उसका बड़ा कारण ये है कि झूठ बोलती है। आखिरकार जब इनकी राज्य में अपनी सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी ने कितनी बार नादौन का दौरा किया, सुक्खू जी ने कितनी बार स्पाइक्स पार्क की बात उस समय उठाई, कब उसका शिलान्यास हुआ, जब सरकार जाने वाली थी तब। मुझे लगता है केवल भ्रमित करने का काम जो कांग्रेस करती है, इससे उनका लाभ नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा।